तब भी हंसी जसोदा ले उरे कंठ लगायो। और जब छोटे से कन्हैया ऐसी लीला कर रहे हैं तो मैया यशोदा को तो ऐसा आनंद आया, गोपियां भी प्रसन्न हो गईं कि आज तो फुल वसूली हो गई, माखन और ले जा भैया कल फिर आएंगे। ऐसे मैया ने लेके गले से लगा लिया। अधर मधुर है, बदन मधुर है, नैन हसन सब मधुर मधुर है, हृदय मधुर और चलन मधुर है, हे नटवर सब तेरा मधुर मधुर है। जिसकी हर चीज मधुर है उसे कौन नहीं देखना चाहेगा। जिसका हंसना मधुर है, देखना मधुर है, चलना मधुर है, गाना मधुर है, बजाना मधुर है बांसुरी का, जो बात भी बड़ी सुंदर करता है, तो गोपियां तो बिचारी दिन रात माखन इस चक्कर में निकालनी थी, हमारी चोरी करके ले जाएगा, बढ़िया रहेगा, शिकायत करने जाएंगे तो माने हमें भगवान देखने को मिल जाएगा, ऐसा वो खुद कर रही है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो एक बहाना है, बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है। अब गोपियों ने उसकी बांसुरी छुड़ा ली। अब मैया ते बोले कि मैया ये बांसुरी पे बड़ा इतराव है, बांस की बसुरिया पे कैसा इतराव है, बांस की बसुरिया पे कैसो इतराव है, कोई सोने की होती तो हीरे मोती की होती तो जाने कहा कर दो, कहा कर दो, बांस की बसुरिया पे कैसो इतराव है, बांस की बसुरिया पे कैसो इतराव है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, लाल है जेल में जन्म लगे कैसो इतरावे, जेल में जन्म लेके कैसो इतरावे, जेल में जन्म लेके कैसो इतरावे, जेल में जन्म लेके कैसो इतरावे, कोई महलों में हो तो कोई महलों में हो तो जाने कहा कर दो, कहा कर दो, बांस की बसुरिया पे कैसो इतरावे, बांस की बसुरिया पे कैसो इतरावे। सांवरी सुरतिया पे कैसो इतरावे, सांवरी सुरतिया पे कैसो इतरावे, कोई गोरो सो हो तो कोई गोरो सो हो तो जाने काही कर दो, कहा कर दो, बांस की बसुरिया पे कैसो इतरावे, बांस की बसुरिया पे कैसो इतरावे। बसुरिया पे कैसो इतरावे, बांस की बसुरिया पे कैसो इतरावे, बांस की बसुरिया पे कैसो इतरावे,
तो इतरावे मौसगी वसूरिया पे के 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 तो इतरावे। भगवान जब गौचारण के लिए जाते हैं तो अभी तक तो गोपियां नित्य भगवान के साथ खेल करती थीं, लेकिन अब भगवान गौचारण के लिए जाने लगे तो गोपियों के तो प्राण सूखने लगे कि सुबह जाते हैं संध्या में आते हैं, इतना विरह कैसे स्वीकार करें। जो भगवान के एक बार दर्शन कर लेता है, जो कभी विनम्र होकर एक बार भागवत जी की कथा को हृदय में उतार लेता है, फिर उसका बिना भागवत जी के मन नहीं लगता। जैसे किसी कोई किसी से प्रेम करने लगे बहुत ज्यादा और फिर उसका फोन ना आवे और फिर उससे बात ना हो और आप फोन करो तो कोई उठाए नहीं, और या कि कहीं कोई दूर चला जाए जो आपका बहुत प्रिय था, तो भैया कंठ तो आज भी सूख जाता है। और ये तो मनुष्यों की बात है, और जहां परम चैतन्य स्वयं नारायण जिसके साथ खेलते हो और वो दो घंटे के लिए भी चले जा रहे हैं तो क्यों चले जा रहे हैं? मन तो विचलित होना निश्चित है। तो गोपियों की वो महादशा सुखदेव मुनि बताने लगे परीक्षित को कि परीक्षित कृष्ण तो गोपियों के पीछे गौओं के पीछे चले जाते हैं और पीछे से गोपियां रह जाती हैं, लेकिन गोपियों का शरीर रह जाता है, चित्त तो कृष्ण के साथ ही लगा रहता है। आज राधा रानी और गोपनीय ने ये सोचा कि चलो आज भगवान से मिलने वन में ही चलते। तो आज जो अपने अपने गौ घट की गौ मृत की घट में भर के गौरस और माखन ले लियो, कछु में कोई दूसरी चीज ले ली और सारी गोपियां सिर पे रख के और चली वन की तरफ। उधर बैठे कृष्ण कन्हैया लाल एंड कंपनी, दूर से किसी ने बता दिया लाला गोपो आ रही है, गोपी जरूरी माखन मिश्री और गौरस लेके मथुरा जा रही होंगी। कृष्ण ने जैसी सुना ये वाली बात है, सोई भगवान जी एक पर्वत के ऊपर चल गए और वहां से जोर से बोले, बोलंत कान बुलावत गैया गिरि गोवर्धन ऊपर ठाड़े कर पीतांबर लैया। ऊपर भगवान चले गए और अपना पीतांबर हिलाया और पीतांबर जैसे ही हिलाया तो सारे जो उनके सखा इधर उधर कहीं गौओं का चारण कर रहे थे सबने भगवान की टेढ़ सुनी तो उस ओर दौड़े कि कन्हैया बुला रहे। श्री गोवर्धन के शिखर ते मोहन दीनी टेर अंतरंग सो सहत हैं सब ग्वालिन राखी घेर। भगवान ने जैसे ही वहां से संकेत किया तो जो भगवान के परम सखा थे सुबल सुबाऊ भद्र तोषल सुमंगल सबने जो है जाके गोपियों को घेर लिया। अब वो बोले कि कैसा है यहां से जा रही हो ना, ये माखन मिश्री और ये सब लेके जो जा रही हो गौग्रत यहीं दे जाओ।